अभी आप अपने आप का एजुकेशन दे रहे हो, आप एजुकेट हो रहे हो ताकि आप दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सको, अपने लिए एक जगह बना सको इस क्रूअल वर्ल्ड में जहां पर इतना कॉम्पिटिशन है। री एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज योर बेस। एजुकेशन के बाद आता है जो एजुकेशन आपने पाई है, जिस एजुकेशन के बलबूते पर आपने अपने आप को डेवलप किया है, उसके बाद आता है करियर बनाओ। करियर मतलब जो एजुकेशन आपने पाई है, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप पैसा कमाना शुरू कर दो, कम से कम इतना कि आप अपने आप को संभाल सको, तो एजुकेशन के बाद आता है करियर। आप एजुकेशन में सीधे लव की तरफ मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, आप सामने वाले को भी डुबो दोगे जिसके प्यार के चक्करों में आप पड़े और आप भी मारे जाओ। सो हर टाइम, हर चीज का स्पेसिफिक टाइम होता है, जंप मत मारो, इतने लार्ज स्टेप मत लो। एजुकेशन पूरी करो फिर अपना करियर बनाओ, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद आपको लव शव चिकन खुराना जो भी खाना है खा लेना, शादी तो होगी ना करियर के बाद, ऐसा तो है नहीं है वो कुंवारा छोड़ देंगे। समझ में आ गया, प्यार करो शादी करो। सो दिस इज द राइट, यू नो दिस इज द राइट वे, एजुकेशन देन करियर देन लव देन मैरिज, फिर बच्चा बुढ़ापा मरापा, समझ रहे हो। सो दीज आर द राइट स्टेप्स, डोंट गो लाइक दिस एजुकेशन में ही बस मुझे तो प्यार हो गया पहली नजर में, ऐसा पागल कर दिया और लव पे कूद पड़ा और मैरिज करने की दिक्कतें आ रही है, डोंट डू दैट। करियर कहां गया? सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी चीज का सही समय होता है और अभी सही समय है अपने आप को एजुकेट करने का और अपना करियर बनाने का, बस यही सही समय है। प्यार का समय बाद में आएगा, सो प्लीज लीव इट राइट नाउ। और कई लोग तो सीधे ही एजुकेशन से सीधा मैरिज पे जाते हैं, ऐसा प्यार का स्यापा पाल बैठते हैं, डोंट डू दैट।